हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सैगी स्किल्स। टुडे इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि फॉन्ट क्या होता है और फॉन्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम फॉन्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट का यहाँ पर मतलब जो है वो है कि जो भी आप लिखते हैं उसका स्टाइल, वो दिखने में कैसा लगता है, उसका वेट कितना है यानी कि उसकी मोटाई कितनी है, उसका स्टाइल कैसा है, डिज़ाइन कैसा है उसका। जो फॉन्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ करना सीखेंगे इसके अंदर। तो ये वाला जो वीडियो का पार्ट है ये फॉन्ट्स के ऊपर है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फॉन्ट के और फिर उसको देखते हैं प्रैक्टिकली। सो यहाँ पर जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ये वाली प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में, फॉन्ट साइज, वेट, स्टाइल, फैमिली, वेरिएंट, हाइट। तो यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ का जो मतलब है वो तो हो गया कि आप उसका साइज़ कितना देना चाहते हैं, कितना उसको बड़ा या छोटा दिखाना चाहते हैं। फॉन्ट वेट का यहाँ पर मतलब हो गया कि उसकी मोटाई, और यहाँ पर फॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप क्या देना चाहते हैं, स्टाइल में यानी इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब। फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर फैमिली का मतलब हो गया कि उसका जो स्टाइल है, अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, कुछ दिखने में अलग तरह का लगता है, कोई कुछ दूसरी तरह का लगता है, कोई डिफरेंट टाइप्स का लगता है, तो अलग अलग स्टाइल्स के देने के लिए फैमिली फॉन्ट यूज़ होता है। ये हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, और वेरिएंट इसको भी हम अभी देखेंगे आने वाले। लाइन हाइट ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट के बीच में कितने स्पेस देना चाहते हैं, जो लाइन लिखेंगे आप उन लाइनों के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं उसको बोलते हैं लाइन हाइट। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये फॉन्ट साइज है, ये लिखने का जो तरीका है इसका, हम तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं इसको, पिक्सल्स में, परसेंटेज में, ईएम में। यहाँ पर जो पिक्सल है वो हम ऐसे लिखते हैं, फॉन्ट साइज और उसका जो पिक्सल हमें देना है यहाँ पर 10, 15, 20, 30 जो भी आप वो दे सकते हैं। परसेंटेज में आप ऐसे लिखेंगे, फॉन्ट साइज ये जो परसेंट है 10% देना है, 5% देना है, 2%, वो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ईएम में क्या है कि हम ईएम में इसको, जैसे कि ईएम फॉन्ट साइज 1 ईएम, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी करेगा और जो है कि स्मॉलर भी करेगा बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को। फॉन्ट फैमिली जो मैं अभी आपको बताया क्या होता है, फॉन्ट फैमिली ये होता है, उसको लिखने का तरीका ये होता है। फॉन्ट फैमिली को फॉन्ट फैमिली लिखेंगे, उसको फैमिली का नाम देंगे, वर्ड आना, मान लो कोई भी स्टाइल दे सकते हैं आपके जो भी पास स्टाइल्स हैं, वर्ड आना, एरियल, टाइम्स रोमन, जो भी है वो यहाँ पर आप उसका नाम देंगे, उसी स्टाइल से आपका डिस्प्ले होगा। अब एक तरीका और लिखने का, फॉन्ट फैमिली लिखा हमने, अब उसमें हमने ये तीन जो फॉन्ट्स फैमिली है वो हमने पास कर दिए इसके अंदर। इसमें होगा क्या कि अगर आपके सिस्टम में वर्ड आना नहीं है तो वो फाइंड करेगा हेलवेटिका को, ये भी नाम है फॉन्ट का। अगर हेलवेटिका भी नहीं है तो फिर वो फाइंड करेगा एरियल को, अगर उसमें एरियल होगा तो वो एरियल को डिस्प्ले कर देगा, और अगर उसमें वर्डाना होगा तो वो वर्डाना को डिस्प्ले कर देगा, हेवेल्टिका होगा तो उसको हेवेल्टिका को डिस्प्ले कर देगा। जो भी फॉन्ट आपके इन तीनों में से, आप और भी दे सकते हैं जो भी आपके आप देना चाहते हैं, आपको नाम उसके याद है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं फॉन्ट में जा करके, आप जितने भी आप नाम यहाँ देंगे वो 1 बाय 1 सबको सर्च करेगा, जो भी उसको मिलेगा, जो भी बंदा कहीं सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट को तो उसके सिस्टम के अंदर जो सा भी फॉन्ट होगा उसी को वो अप्लाई कर देगा। अगर आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मान ले इन तीनों में से किसी क्लाइंट के सिस्टम में इन तीनों में से एक भी फॉन्ट होगा तो इनमें से किसी एक को अप्लाई कर देगा, वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा यानी। फिर आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट आप देख सकते हैं ये होता है, इसका लिखने का तरीका होता है ये, 4 पिक्सल लिखाया भी, तो 4 पिक्सल कहाँ, ये बीच में जो आ रहा है ये, ये 4 पिक्सल गैप दिया हुआ है तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। 2 पिक्सल देंगे तो और कम आएगा, ज़्यादा करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, तो ये जो लाइनों के बीच में जो गैप है ये, इसी को बोलते हैं लाइन हाइट। ये आप दे सकते हैं 4 पिक्सल, 2 पिक्सल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ओके, फॉन्ट यूज़ करने के लिए अभी हम एडिटर में आ चुके हैं अपने, और हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक हेडिंग लिखी हुई है हमने, हम इसके अंदर एक डिव क्रिएट करेंगे, डिव क्लास दे देते हैं उसको नाम XYZ, और डिव को क्लोज कर दिया हमने। अब इस डिव के अंदर कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, अब वेलकम टू लर्न, थैंक यू,
ये मैंने लिखा, इसको कॉपी कर लेते हैं, दो तीन बार पेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक कंटेंट बनाया, और अब हम क्या करेंगे, ये जो डिव बनाया हमने इसको कुछ स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइलिश शीट में जा कर के, ताकि हमको नज़र आए अच्छे से। तो सीएसएस फाइल में गए, टारगेट किया मैंने इसको डॉट से, क्योंकि क्लास है एक्स वाई जेड नाम है उसका, और मैं इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है इसकी, कर दी मैंने 600 पिक्सल, और उसकी हाइट है वो कर दी मैंने 200 पिक्सल, और इसको एक बॉर्डर दे दिया मैंने 4 पिक्सल का सॉलिड ग्रीन, ग्रीन ये ग्रीन। ओके, तो कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा ये बन के आ गया एक डिव हमारे सामने। इसको थोड़ा पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग दी मैंने 10 पिक्सल। अब ये टेक्स्ट इसका सेंटर में अच्छा लगेगा, ये देखो आ गया ना। तो ग्रीन कलर का एक हमने ये बॉर्डर दे दिया और एक डिव बन गया। अब हम यूज करेंगे फॉन्ट इसके ऊपर, फॉन्ट देखिएगा इसका साइज बड़ा करना है, जो लिखा है इसका साइज अगर बड़ा करना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट साइज, मैंने लिख दिया इसके अंदर 25 पिक्सल। कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा बड़ा हो गया टेक्स्ट, डिव के बाहर आ चुका है क्योंकि साइज हमने बड़ा कर दिया। अभी हम किस में यूज काम कर रहे हैं साइज को, पिक्सल में, ये देखो पिक्सल लिखा मैंने PX पिक्सल। तो इसका साइज मैंने अगर 20 कर दिया, कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा 20 पिक्सल हो गया। अब दूसरा आता है हमारे पास में परसेंटेज में, परसेंटेज में देने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी लिखेंगे। बॉडी में मैंने क्या किया कि फॉन्ट साइज कर दो उसका 20 पिक्सल। ओके, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या होगा, ये देखिएगा इसका साइज सेम ही है, अभी देखो इसका जो 20 पिक्सल फॉन्ट दिया मैंने, किसके अंदर दिया मैंने, बॉडी के अंदर, ना कि मैंने क्लास के अंदर, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और जो बॉडी जो उसका पेरेंट्स जो डिव है वो है बॉडी, जो इसका पेरेंट्स डिव है वो बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जो भी दिया भाई ये उसी को अप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको दे देते हैं फॉन्ट परसेंटेज में, देते हैं इसको फॉन्ट साइज, हमने दिया इसका 10%। अब होगा क्या, इसका 10% लेगा ये, 100 करते हैं पहले, इसका 100% लेगा ये, जो इसका चाइल्ड है, जो पेरेंट्स का जो चाइल्ड है, ये लेगा फॉन्ट साइज इसका 100%। 100% मतलब कि ये अब इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि हमने बॉडी इसका जो पूरी बॉडी है हमारी, जितनी कि ये पूरा बॉडी है जो स्क्रीन दिख रही है आपकी, ये पूरी बॉडी होगी, तो ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब ये समझ गया कि जो मेरा फॉन्ट साइज है वो इसका 20 पिक्सल का 100% है, यानी कि 20 पिक्सल ही है इसका मतलब। यहाँ पर भी कंट्रोल से देख के सेम ही रहेगा, देखो सेम रहा है। अब हम चेंज करते हैं, अब हम करते हैं इसका 50 पिक्सल, अब इसका आधा हो जाएगा, या अब इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो इसका आधा हो जाएगी, क्योंकि हमने 50% दे दिया, हमने इसको बताया कि 50% इसका आधा कर दो, तो अब इसका 10 पिक्सल हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ 10 पिक्सल है तो ये 50% लेगा भाई, यहाँ पर देखो ये देखो आधा हो गया। अब अगर मैंने किया इसको फॉन्ट साइज 80%, ये देखिएगा 20 पिक्सल का 80% साइज इसका हो गया। तो ऐसे हम करते हैं परसेंटेज में काम। अब EM यूज करते हैं, एक होता है फॉन्ट साइज EM, 1 EM किया मैंने, तो ये सेम इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसे परसेंटेज काम करता है सेम रहेगा, ये देखा सेम हो गया। अगर मैं कर देता हूँ 0.5 EM तो उसका आधा हो जाएगा, देखिए ये देखिएगा यहाँ पर कम हो गया। अगर मैं करता हूँ 1.5 तो ये देखिएगा बड़ा हो गया, उसका डबल हो गया, आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऐसे EM काम करता है हमारा। अब आता है हमारे पास में, इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से इसको हमने हटाया, फॉन्ट साइज इसका हमने किया कितना, 20 पिक्सल का किया हमने। ओके, अब आती है बात लाइन हाइट की। लाइन हाइट क्या होता है, लाइन हाइट देखो करके दिखाते हैं आपको, 10 पिक्सल दे देते हैं। अब होगा क्या कि लाइन के बीच में गैप आ जाएगा, ये देखिएगा अभी ज़्यादा जुड़ गया आपस में, क्योंकि हमने कम दिया है,
हमने इसको माइनस कर दिया और, तो यहाँ कर देते हैं हम 20 पिक्सल, कंट्रोल एस, ये देखिएगा सेम हो गया 25 पिक्सल। ये देखिएगा थोड़ा और स्पेस आ गया, तो कर देते हैं 45 पिक्सल। ये देखिएगा और ज़्यादा गैप आ गया, इसी को बोलते हैं हम लाइन हाइट। अगर आपको लाइन के बीच में गैप देना है तो आप लाइन हाइट यूज़ करेंगे। अब हमारे पास में क्या है, अब है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट आपको जैसे कि काम करता है इटैलिक बोल्ड वगैरह, तो यहाँ आप बोल्ड लिख सकते हैं, बोल्ड मैंने बोल्ड लिखा, बोल्ड हो जाएगा। ये देखिएगा फॉन्ट का जो वेट है वो बोल्ड हो चुका है। आपको अगर बोल्डर करना है और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, डबल बोल्ड हो जाएगा। देखो ये देखो और ज़्यादा बोल्ड हो गया, फॉन्ट वेट का मतलब होता है इसको। और अगर आपको एक प्रॉपर्टी और है इसकी, फॉन्ट फैमिली, ये आपके पास प्री डिफाइंड कुछ हैं इसके अंदर जो पहले से ही हैं स्टाइल इनके। मान लो आपको मोनो स्पेस देना है, कंट्रोल से सेव किया, ये देखिएगा स्टाइल बदल गया ना, टेक्स्ट का दिखने का जो उसका लुक है वो चेंज हो गया, क्योंकि ये वाला फॉन्ट की फैमिली जो है वो स्टाइल को फेस को चेंज करने के लिए होता है। अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर वरदाना, कंट्रोल से सेव किया मैंने ब्राउज़र में, ये देखिएगा ये वरदाना स्टाइल आ गया। अगर हम यहाँ लिख देते हैं एरियल, ए आर आई एरियल, कंट्रोल एस, ये देखिएगा अब ये एरियल में आ चुका है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं सेंस सेरिफ, तो यहाँ पर ये सेंस सेरिफ आ गया। देखो ये फॉन्ट यहाँ पर आप और भी दे सकते हैं, जैसे कि कॉमा लगाया, वर्डाना किया मैंने, कॉमा लगाया मैंने, ए आर आई एरियल की, या भाई मैंने दिया हैवेल्टिका। अब क्या होगा, अब इसको जो भी इनमें से कोई भी मिलेगा, कोई अगर क्लाइंट कहीं भी किसी के क्लाइंट के कंप्यूटर में अगर सेंस सेरिफ नहीं है तो वर्डाना वर्डाना अप्लाई करेगा, वर्डाना भी नहीं है तो एरियल टाइप करेगा, एरियल भी नहीं तो हैवेल्टिका होगा। तो इनमें से और भी बाकी आप यूज कर सकते हैं, जो भी इसके सिस्टम में फॉन्ट अवेलेबल होगा उसी फॉन्ट में वो डिस्प्ले कर देगा। तो कंट्रोल एस से किया मैंने, ये देखिएगा उसने पहले वाला ही कर दिया अभी, क्योंकि मेरे पास में ये है सेंस सेरिफ वाला। अगर ये ना होता तो इसको शो कर देता वो स्टाइल को, ये शो कर देता फिर ये शो कर देता। तो हम फॉन्ट फैमिली ऐसे यूज करते हैं। अब आता है हमारे पास में क्या, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल ये वाला, अब इसमें तीन प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं। इटैलिक मैंने इटैलिक किया और सेमी कॉलम से क्लोज किया कंट्रोल है। अब ये देखो तिरछा नजर आएगा, ये देख रहे हो इसका इटैलिक हो गया। अगर आप इसको कुछ और देना चाहते हैं, ऑब्लिक देना चाहते हैं, कंट्रोलर से सेव किया मैंने, ये देखिए ऑब्लिक में भी सेम ऐसे ही है नॉर्मल की तरह ये ऑब्लिक भी, तो आप स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। और जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट जो अभी दोबारा फिर बताता हूँ मैं, इसको आप नंबर्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर बोल्डर, बोल्डर्स, इनहेरिटेंस, नॉर्मल, लाइटर, लाइटर करेंगे तो लाइट हो जाएगा। देखो 1 मिनट, फॉन्ट स्टाइल को इसको हटा देते, ये देखिएगा लाइटर में है अभी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप इसका 600 कर देंगे तो ऐसे आएगा, ये देखिएगा बोल्डर हो गया 600 600, ये नंबर भी ऐसे बोल्डर, बोल्डर्स की तरह ही काम करते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल या बोल्ड या बोल्डर देते हैं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं हाइट को। अब मैंने स्टाइल आपको बता दिया है, हमने इसके अंदर फैमिली भी देख लिया है कि ये ऐसे यूज करके हम अलग अलग स्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। फॉन्ट साइज पिक्सल में, परसेंटेज में, ईएम में देख लिया हमने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कृपया शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड लाइक, एंड इफ यू लाइक मोर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।